हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एग भुर्जी करी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बड़े साइज के आलू को टुकड़ों में काटकर बॉईल कर लिया है और चूल्हे पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा दिया था। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल गरम हो चुका है, अभी हम डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू के टुकड़े, साथ ही में डाल देंगे छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आलू को हमें फ्राई करना है। तो देखिए आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अभी इनको तेल से निकाल लेते हैं। तो अभी कढ़े में जो बचे हुए तेल है उसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच पाँच फोरन और दो तेज पत्ता। तो अभी हम डाल देंगे प्याज, एक मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप कर लिया है। साथ ही में डाल देंगे एक प्याज का पेस्ट और दो चम्मच ग्रेटेड अदरक और लहसुन। तो लगभग एक से दो मिनट हो चुका है, अभी हम डाल देंगे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच जीरा पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी थोड़ा सा पानी डाल के इनको भूनेंगे। तो मसालों में से तेल निकलना शुरू हो चुका है, अभी इनमें हम डाल देंगे एग। तो यहाँ पर दो अंडों को हमने तोड़कर लिया है, अभी इनको हम डाल देंगे मसालों में। एग डालने के बाद अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और भुर्जी बिल्कुल तैयार है। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए आलू। तो आलू डालने के बाद इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अभी हम डाल देंगे एक कप पानी। तो अभी हम डाल देंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और हाई फ्लेम पर एक से दो मिनट तक इनको पकाएंगे। और साथ में डाल देंगे दो हरी मिर्च। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इनको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।